मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस गीताली गौड़, और इससे पहले आपने मीरा की पदावलियाँ पढ़ी, और आज मैं उसी में एक आखिरी पदावली है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसमें जो है मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व बता रही हैं और कह रही हैं कि उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई दूजा है ही नहीं। तो कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, उनके बिना मेरा कोई और है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, अब कह रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट यानी जिसके सर पर मोर पंख का मुकुट है, मेरो पति सोई वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु, तात यानी पिता, मात यानी माता, भ्रात यानी भाई, और बंधु यानी मित्र। आपड़ो ना कोई, अपना तो कोई भी नहीं होता है, चाहे वो माता पिता हो या फिर भाई हो या बंधु हो या फिर कोई मित्र हो, वो भी अपने नहीं होते। छाड़ दई कुल की कान कहा करिए कोई, अब कान का अर्थ है यहाँ पे मर्यादा। छाड़ दई कुल की कान, मैंने कुल की मर्यादा तो कब की छोड़ चुकी हूँ। कहा करिए कोई, अब और कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। संतन डिग बैठ बैठ, संतन यानी संतों के साथ यहाँ वहाँ बैठने के कारण लोक लाज खोई, मैंने सारी अपनी लोक लज्जा जो थी वो सब खो दी है। असवन जल सींच सींच, आंसुओं के जल से सींच सींच यानी सींच कर प्रेम बेल बोई, मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, अब जो है वो जो प्रेम रूपी बेल मैंने बोई थी वो बेल जो है चारों तरफ फैल चुकी है। आनंद फल होई, अब उसमें आनंद फल लगेगा। कहने का अर्थ है कि अब तो निश्चित ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर प्रसन्न होती हैं, और जगत देख रोई और इस संसार को देखकर रोती हैं। संसार को देखकर रोती इसीलिए हैं क्योंकि इस संसार के प्राणी जो है वो आज भी आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो उसी में ही जो है जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मीरा जो है श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हैं कि वो उसी में ही सर्वस्व अपना मानती हैं। और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, अब यहाँ मीरा जो है श्री कृष्ण से कह रही हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, इसीलिए मुझे इस संसार से अब तुम तार दो। तो बच्चों, इसमें आप काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि मीरा की अनन्य प्रेम भाव की भक्ति का वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ रूपक एवं अनुप्रास अलंकार हैं, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है जिसमें प्रेम बेली और आनंद फल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है,